नाम के थे, वो पैगंबर जो होते हैं ना उनकी सेवा क्या करते थे। अच्छा अच्छा उन्होंने मेरे को ये इल्म दिया था थोड़ा सा, मैं उनकी शरण में कम से कम 15 दिन रहा था। अच्छा, दुकान पे आते थे मेरी, तो जब मैं काली की पूजा करता था उस समय, अच्छा, भगवान शंकर की और काली की, तो जब उन्होंने बताया कि अला अपने आप देखो, बैठ कर देखो, ऐसे ऐसे महसूस होगा, तो मैं कुछ टाइम करता था बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे जी। तो इससे देखने से मेरे को ऐसे लगता है, अभी भी मैं देखा, अभी भी आध घंटे में बैठा था, आपने पहले जो दिखाई थी, अभी भी मैं किचन में बैठा था। अच्छा, किचन में बैठने के बाद फिर मैंने आपकी जो दोबारा कॉल लगाई, फिर मैंने देखा, अभी तीसरे बार मैं आपसे कॉल लगाई। अच्छा, तो जब आंख बंद करके बैठते हैं तो कुछ देर तो बीच में दृष्टि में नीला सा आकार, नीले सा आकार, जैसे सूरज में नीली सी किरण सी होती है ना उसमें आसमान में, जी जी ऐसा महसूस होता है। फिर उसके अच्छा, बाद सफेद से तारे से महसूस होते हैं, तारे से अभी जो आते अभी ना, जो समय है आपका, अभी आप उस जगह पर पहुंचे नहीं हो जो सुनो ना सर जी, पहले बताओ मेरी बात सुनो, जी। फिर उससे बाद में जो है ना बन चमकते खूब, अच्छा अच्छा पेड़ पौधे खूब चमकते हैं, नदी देखो तो नदी दिखाई देती है, आंख बहुत बंद बड़ी करके बड़ी ही। नदी दिखाई। हाँ जी, आग बंद करके अच्छा। रोड भी चमकता है। तो दोनों गुरु जी ने मेरे को बताया था चले आधे जमजम देखो। अब मैं हिंदू आदमी, वो मुसलमान थे, मैं जी कहने लगा मेरे को तो नहीं पता, कहले आप ऐसे बैठो कहके मुझे आबे जमजम दिखाओ। तो मैंने जो है ना उस रात में बैठा मैं, तो मैंने बोला आबे जमजम दिखाओ मेरे को, तो मैं आंख बंद करके बैठ गया था। तो उसमें मेरे को आबे जमजम एक ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा समुन्दर है, अच्छा समुन्दर के बीच में एक सफेद सी इमारत खड़ी हुई है, उसके ऊपर जैसे मस्जिद की तरह है ना, ऊपर से ऐसे ऐसे महसूस हो रहा था, बिल्कुल सफेद सी इमारत के चारों तरफ पानी पानी था उसके। तो सुबह जो मॉर्निंग में जब बाबा मेरे से मिले, तो मैं उनसे कहने लगा तो बाबा मेरे को ऐसे ऐसे कुछ महसूस हुआ, कहना ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही ऐसे देखते रहो। तो वो चीज तो नजर आती है सर मेरे को, अभी भी जी आदमी भी दिखता है, परंतु क्लियर रूप में नहीं महसूस होता ये कौन है, फेस इसका क्या है, ये चीज होती है। वही मैं आपको बता ये रहा तो हूं मैं देख, आपको ये तो सर सुना है कि जी। ये सर ये तो मेरे को कम से कम होगी 14-15 साल हो गया ऐसे ऐसे हो गए, और ये कभी कभी देखता हूँ। ये तो अब मैंने 2 महीने से आप मोबाइल लिया ना, मैं तो मैं उसमें जो है ना ये देखता हूँ, तो तब मेरे को कुछ महसूस हुआ क्या क्या यही चीज हो ऐसी दृष्टि, नहीं, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं थी मेरे को, दिव्य दिव्य दृष्टि दृष्टि एक क्या अलग होती है। चीज जी है। उसमें शुरुआती जो समय होता है उसमें ऐसी ऐसी भ्रांतियां होती हैं, ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती है, लेकिन जब आपका चित्त और आपके जितने भी विचार हों एक जगह पर लग जाएंगे हाँ जी बिल्कुल और सही कह रहे हैं, आसपास का भूल जाओगे, जब उस समय एक हाँ ऐसी आसपास अवस्था आएगी कि जी बिल्कुल अंधकार होगा और अंधकार के अंदर एक प्रकाश दिखेगा और उसमें आवाज भी होगी। अच्छा आवाज आवाज के साथ एक चक्र घूमता हुआ आपको दिखेगा। चक्कर तो नहीं सर, हाँ 15 मिनट बैठने का ऐसा महसूस हाँ, होता तो है अभी जैसे आपकी आदमी जो को बिल्कुल अवस्था है ना, साफ। अभी जिस अवस्था में आप हो, वो बिल्कुल ही शुरुआत की है, शुरुआती समय अभी आपका, आपने उतनी साधना नहीं की अभी, इसके लिए रोजाना साधना करनी पड़ती है जी। रोज बैठिए साधना में, उस जगह पर अच्छा सर ये ध्यान बताओ, लगाइए। सर ये बताओ, ये तो मैं कुर्सी पे बैठ बैठ के भी कर लेता हूँ, इतना हो ये तो सकता है चलते कर हुए भी कर सकते हैं सकते। हाँ जी, ठीक बस है, थैंक बात ये होती यू कि अपने विचारों को उस जगह पे लगाना होता है, सर। हाँ सब कुछ जैसे भूल मैंने कर पूछा, शून्य होकर वहां जाना पड़ता है हमें जैसे मैंने पूछा मेरे को माँ कामाख्या का मंदिर दिखाओ, जी। तो वहां पे मैंने देखा कुछ, तो वहां पे गाय गाय बहुत ही नजर आई, बहुत ज्यादा गाय नजर आई, जी, तो काली इसको काली गाय अभ्यास थी। कीजिए और अभ्यास कीजिए इसका, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको देखने में। आप बैठे बैठे अपने जो आपका सूक्ष्म शरीर है ना, उसको भी भेज सकते हो कहीं पर भी।
अभी तो आप देख रहे हो ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब अपने बॉडी से बाहर निकल सकोगे। अच्छा सर एक चीज और बताऊं, जब मैं ये चीज देखता हूँ ना बैठ के, तो मेरा शरीर में हल्का सा कंपन आता रहता है, रहता में से वो तो होता कंपन ही है, आधा घंटा बिजली के पंद्रह झटके से भी लगते हैं उसी में। मिनट जैसे 20 मिनट 15 मिनट ऐसे ही हल्का रहेगा उसका शरीर, जी, वो हो जाता हल्का है, हल्का 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 हल्का। क्योंकि अभी शुरुआती समय ना, आपको पता नहीं इनको काबू में कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि ये शक्तियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन जो साधक होता है उनको काबू में नहीं कर पाता। तो इसको ठीक काबू में भी करना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसको पालना है। काफी नहीं है। वैसे डर तो डर तो नहीं लगता नहीं मेरे को, क्योंकि मैं जब हनुमान जी की पूजा करता था तो मेरे को कम से कम इतना होगा 15-20 फुट जो है ना दूर मारा फेंके मेरे। हाँ अच्छा, तो तब मेरे को ऐसा हुआ था, मेरे को ऐसा शुरू में स्टार्टिंग में तो। हाँ जैसे हमारा गांव का मंदिर है सर, गांव का मंदिर गांव में कहाँ से बना बोल हुआ रहे है हो आप? हमारे बाबा। मैं तो अब तो सागरपुर से बोल रहा हूँ, ये कहाँ पर है? ये सागरपुर सर यहाँ पे है दिल्ली में, ईस्ट अच्छा अच्छा सागरपुर पालम दिल्ली से रोड। बोल रहे हो आप? जी हाँ तो ठीक। हमारा गांव में मंदिर है, हमारे बाबा ने बनवाया था कभी, तो अच्छा, उसकी याद में जब बैठता हूँ ना मैं, यहाँ से ही मैं देखता हूँ तो जैसे जैसे मेरे को दिखाई देता वो उसकी तरह से महसूस होता है। हाँ ये मेरे को महसूस होता है मेरे को, पर तो मोबाइल अब लिया ना मैंने, जी 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 हाँ जी दो हाँ महीने जी सारे हुए, जब इसमें मैं प्रोग्राम देखने लगा तब मेरे को ये महसूस हुआ, करके देखो भाई मैंने भी देखा है करके, तो वाकई में अभी भी है वो जीव शक्ति है बिल्कुल जी अभी बिल्कुल। ये। तो मेरे को यदि आप गाइड करो तो मैं कुछ और भी बताऊंगा फिर आपको, आप मेरे को इस तरह से बताना हाँ भाई ये चीज ऐसे ऐसे ऐसा देखो तो जी करो, एक ना क्रम बना लो रोज का, उस समय सर। आपको साधना टाइम करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह शाम जी, का करें तो किसी विषय में सर, जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जिसमें भी आप आराम से कर सको। टाइम है जी, दिन उस में टाइम ये में तो कर सर, दो। ऐसा सुनो एक मिनट सर, ये तो जी, सर सिर्फ दिन में ही दिखाई देता है, रात को तो नहीं महसूस होता ये। मैं वही बता रहा हूं, आप ये साधना करनी शुरू करो तो फिर आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस आंखें बंद करो और कहीं पर भी देख लो, ऐसा हो जाएगा। धन्यवाद जी, मुझे बताना जैसे ही आप साधना शुरू करो, मुझे बता देना, तो मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है जी, वेलकम, धन्यवाद। ओके।